ऑफ ट्रायंगल। ओके, हम लोग यहाँ पे आज एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं और आज का जो टॉपिक होगा एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए एमसीक्यू, सबसे पहला जो आपका एमसीक्यू हम बता रहे हैं, हम लिख देते हैं साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। आज हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का जो हम लोग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आर इन द रेशियो, एनसीईआरटी का भी है। ठीक है, आर इन द रेशियो 4:9। ओके, 4:9 लिखा हुआ है, फिर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल उसके बाद लिखा हुआ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या, पहला ए ऑप्शन दिया हुआ है क्या, 4:2:3। बी ऑप्शन क्या है आपका, 4:9। और सी ऑप्शन क्या है, 81:16। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, 16:81। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इसको समझ लीजिए आप, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कोई जो ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कोई दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, मान लीजिए ये ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है, तो आपको एक थ्योरम भी आपका है। ठीक है, वो चीज़ आपको समझिए आप, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो, सिमिलर हो, तो आपको एक थ्योरम पढ़े होंगे, इसका जो क्रॉसपोंडिंग साइड क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, ए बी बाई पी क्यू क्रॉसपोंडिंग साइड का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, बी सी बाई क्यू आर स्क्वायर होगा। फिर जो होगा क्या होगा, ए सी बाई पी आर स्क्वायर होगा। तो आप इसके तरह इस व्यू से आप आगे बढ़ें। ठीक है, इस व्यू से आप आगे बढ़ें, तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। देखिए यहाँ पे साइड इसका कितना है, 4:9, मतलब 4:9। तो यहाँ पे इसका पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, देखते हैं कोई भी साइड दिया हुआ है तो क्या होगा, 4:9 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसका बताइए, 4 का स्क्वायर 60 और 9 का स्क्वायर 81, तो इसका क्या आ जाएगा बताइए, 16:81। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन देख लें आप, कौन सा ऑप्शन होगा इसका आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। तो स्टूडेंट आपको ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चन आपको बना लेना है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे एरिया इसका निकलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए, जिसमें कुछ हम आपको होमवर्क डाल देते हैं, ताकि आपको जो ये क्लियर हो जाए आपको। कभी कभी आपसे क्वेश्चन एरिया, आपको साइड एरिया दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा साइड का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, उस समय क्रॉस भी आपका वाइस वर्सा क्वेश्चन भी बनता है, तो आपको ये देखना है कि क्या दिया है। अगर साइड दिया हुआ है तो साइड को इस तरह बनाएंगे, और अगर उसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर उसका एरिया दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन आपको दूसरा टाइप का भी बताते हैं इसी टाइप में, इसमें कैसे क्वेश्चन आपका रिवर्स करके क्वेश्चन ले सकता है आपका। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर टू, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर टू, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं हम, तो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर द इन द रेशियो, मान लेते हैं यहाँ पे जो है ये रेशियो में है आपका 100:81। ठीक है, एरिया ऑफ साइड ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, आप निकालें इसका इसी तरह करके। इसका ऑप्शन ये है आपका, ऑप्शन जो है ये दिया हुआ है, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ आपका 10 और 9 दिया हुआ है। ठीक है, 10 और 9 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है इसको आप बनाएं, कोशिश करें जो है 2, ठीक है, 16:81। यस, पहला का जो था आपका, यस, 4 का स्क्वायर 16 और 81, नो, इसमें 81 नहीं होगा, इसका नीचे वाला होगा, क्योंकि आप 16:81 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होता है इसका। ठीक है, इसको हम ऑप्शन सी बोल दिया आपको। यहाँ पे था आपका 81:16 था इस पहले वाला क्वेश्चन में, यहाँ पे था 16:81, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर ये है आपका, इसमें जो है क्वेश्चन में क्या डाल दिया, एरिया डाल दिया। ठीक है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ 100:81, तो यहाँ पे आपको साइड निकालना, तो आपको यहाँ पे हम दे देते हैं 10
9:9 और डी ऑप्शन दे देते हैं आपका नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। आप समझे फिर इस चीज़ को, नन ऑफ दीज। तो आप समझे यहाँ पे फॉर्मूला तो आपका ये लॉजिक तो यही होगा ना, ऐसा आपका यही चीज़ होगा। तो आप एरिया ऑफ एबीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताइए, एरिया ऑफ एबीसी का वैल्यू दिया हुआ है 100 दिया हुआ है ना, यहाँ पे 100 बाय क्या दिया हुआ है 81। तो 100 बाई 81 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, और यहाँ पे कोई भी साइड निकालना है तो आपको कोई भी साइड लिख सकते हैं, वी बाई क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर। तो 100 बाई 81 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10 बाई क्या 9 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका क्या ए बी बाई पी क्यू, कोई भी साइड का रेशियो यही हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, ये और ये कट गया तो यहाँ पे हो जाएगा 10:9। ये इसका ऑप्शन आप देख लें कौन सा ऑप्शन में आपका जाएगा 10:9। तो आपको ये समझना है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर एरिया दिया हुआ है तो आपको इस तरह बनाना पड़ेगा, अगर साइड दिया हुआ है तो आपको आपको जो पहले क्वेश्चन बताया आपके ये एरिया वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो साइड देखे या तो एरिया देखे, ठीक है। तो आपको ये समझना है और आपको ये बनाना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर देखिए बना के, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो सॉरी इसमें दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं इसमें, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल दिया हुआ है वो 9 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, आर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये निकालना आपका, द रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या होगा बताइए। इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या इसका 3:4, ये दिया हुआ ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन है पहला 3:4, और अगला ऑप्शन है क्या 4:3, 4:3, और अगला ऑप्शन है 2:3, 2:3, और अगला है आपका 4:5। तो आप समझे कैसे बनेगा आप, ठीक है, आप ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप कैसे बनेगा आप देख लीजिए, ये आपका ऐसे ही दिया हुआ है आपका। तो आपका बताइए एरिया ऑफ एबीसी कितना दिया हुआ बताइए, एरिया ऑफ एबीसी कितना है 9, कितना है 9 बाई कितना है 60, इक्वल्स टू क्या होगा, कोई भी साइड को लेना है तो ए बी बाई पी क्यू होगा का स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ समझें 9/16 का मतलब क्या होगा बताइए, 3/4, 9/16 का मतलब क्या होगा 3/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे होगा ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, आप देख लीजिए 3:4 होना चाहिए, ठीक है, तो 3:4 आपका है ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो आपको इस तरह करके क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन नंबर हम आरडी शर्मा का एमसीक्यू बता रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान रखें सारे क्वेश्चन को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम चल बताते हैं आपको, उसके बाद जो है इसी पर बेस्ड है वो क्वेश्चन नंबर 3 हम लिख देते हैं आपको, उसके बाद इसको आप देखें बना के बन रहा है कि आपका नहीं बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। यह है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्या क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ सॉरी क्वेश्चन 4 है ये, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, टू सिमिलर ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स 2 सिमिलर ट्राइंगल्स ABC and DEF कितना दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर एंड 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद लिखा हुआ है क्या रिस्पेक्टिवली, लिख दीजिए आप रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट में आपका लिखा हुआ है इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ लार्जर ट्राइंगल, इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ लार्जर ट्राइंगल ए बी सी
लार्जेस्ट ट्रायंगल एबीसी बी 36 सेंटीमीटर, बी 36 सेंटीमीटर, देन द लॉन्गेस्ट साइड, देन द लॉन्गेस्ट साइड, देन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल डी एफ इज, क्या होगा बताइए, स्मॉलर ट्रायंगल डी एफ इज, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 20 26, पहला ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, बी नंबर है 26 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन जो है वो 27 सेंटीमीटर है आपका, और डी ऑप्शन जो है वो आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है, डी आपका 30 सेंटीमीटर। अब देखें इसको बना के, लिखा हुआ दो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया हुआ है, पहला ये आपका ए बी सी दिया हुआ है, ये रहा आपका ए, ये रहा बी, ये रहा सी, और दूसरा क्या दिया हुआ है देख लीजिए, अगला क्या है डी और ई और एफ, ए बी सी कितना देखिए तो 144, इसकी एरिया है 144 सेंटीमीटर और इसकी एरिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन लिखा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल ए बी सी, मान लेते हैं इसका ये 36 सेंटीमीटर है, तो आपको बोलना है क्या ये वाला ट्रायंगल का वैल्यू, ये एंगल का वैल्यू क्या हो, ये दिया हुआ 36 तो इसका निकालना है आपको, तो आप देख लेते हैं यहाँ पे 36 दिया हुआ, यस 36, यस 36 दिया हुआ है, तो आपको इसका निकालना है, तो आपको आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ क्या होगा पी टी एफ, आपको पता होगा अभी तुरंत आपको बताया है क्वेश्चन को कि क्या होगा बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर, ठीक है, बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर, तब इसका वैल्यू पुट कर दें आप, ये होगा 144 और ये हो जाएगा कितना 81 इक्वल टू बी सी का कितना है आपका देख लीजिए 36, ई एफ का वैल्यू हम लोग को क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख दें बताइए 144 को लिख दें 12/9 का स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा आपका 36/EF का स्क्वायर, तो ये आपका स्क्वायर और स्क्वायर क्या होगा कैंसिल होगा, सो EF इक्वल्स टू क्या होगा, EF इक्वल्स टू हो जाएगा, EF इक्वल्स टू होगा 36/9/12, तो 12 3 9 27 सेंटीमीटर, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन हो जाएगा 21 सेंटीमीटर।